What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert, and welcome back to the lecture number 6 of our awesome essentials batch. ठीक है, so इस batch में, as you are aware, we are covering all the basics. हम आपको लेके जा रहे हैं एब्सोल्यूट बिगिनर से इंटरमीडिएट से धीरे धीरे एडवांस्ड की तरफ. 5 सेशंस हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. यस, दैट मींस इसी चैनल पे अमित रोहरा सर ने सब कुछ पढ़ाया है. दैट मींस क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें अजम्पशंस कंक्लूजन्स, उसके बाद पैरा जम्बल्स, ऑड सेंटेंस आउट, पैरा समरी एंड पीपल इंसर्ट द सेंटेंस. आज का दिन आई डिसाइडेड एक फाइनल मिक्स्ड बैग के साथ कंक्लूड करेंगे हमारे ऑसम वाले बैच को. दैट इज जनरल मिक्स बैग, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस. चलिए, सो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर पीपल, वी डिड पैरा कंप्लीशन. ठीक है, इसमें हमने स्ट्रेटजीज पढ़े, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा. ठीक है, 100% वी डिड एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर चॉइसेस ऑल्सो, एंड एज यूजुअल वी डिड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आज का एजेंडा इज वेरी वेरी सिंपल इन लाइफ यार. वी आर लुकिंग एट मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस. मतलब इन टुडे सेशन वी विल ओनली सॉल्व. कंसिडर दिस एक मैराथन है, ऐसे समझ लो ये मैराथन ऑफ सॉल्विंग है. आज आपको सारे प्रकार के सवाल यहीं पे मिलेंगे. ठीक है, एंड हम लोग करेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. चलिए, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन केस यू स्टिल डोंट नो मी. माई नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर VARC एक्सपर्ट. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग फॉर ऑल पॉसिबल एंट्रेंस एग्जाम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल. हमने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में पहुंचाया है. Not only that, I'm also a professor of MBA at different B schools offering national and international MBA, and I like to call myself a rock star creator, जहाँ पे आप अमित रोहरा सर के रॉक स्टार हो. ठीक है, चलिए, सो इसी के साथ बुक और पेन निकालो. प्लीज सॉल्व विथ मी, प्लीज सॉल्व ऑन योर ओन. आंसर लगाओ कॉमेंट्स में, लाइव चैट में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे. आज का दिन सिर्फ रिविजन है, सिर्फ मिक्स बैग है. इमीजिएटली लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो स्टेटमेंट है और अजम्पशंस है. पीपल रिमेंबर अजम्पशंस? अजम्पशंस इज नथिंग बट थॉट प्रोसेस. इफ यू रिमेंबर अमित सर ने क्या सिखाया था अजम्पशन के केस में, हेलो, अजम्पशन के केस में आपको इस सवाल को इसके ऊपर लगाना है, एंड अजम्पशन शुड लीड टू द क्वेश्चन. रिमेंबर? चलो लेट्स रीड. द इंडियन नेवी विल नॉट अलाउ द युआन वोंग 6. The Indian Navy will not allow that which is a Chinese spy ship. Oh, bhai, ठीक है? To enter the country's exclusive economic zone. ठीक है? That extends up to 200 nautical miles into the sea. ठीक है? तो मतलब ये एरिया में ये वाली शिप को इंडिया नहीं अलाउ करेगा. समझ के लो. The only problem is if the Chinese vessel receives permission from Sri Lanka. Oh, bhai. तो अभी कितने कितने पार्टी लोग आ गए? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका. टू एंटर देयर टेरिटोरियल वाटर्स विच आर कॉन्टिग्यूस. बेटा कॉन्टिग्यूस ना मतलब क्या बोलते हैं? सीमलेस. सीमलेस मतलब सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस. मतलब क्या? हमारा ओशन एक्सटेंड होता है और श्रीलंका का ओशन शुरू हो जाता है ना, तो थोड़ा कंटिन्यूस हो गया ना. श्रीलंका इज नेक डीप इन डेट, मतलब उधारी, एंड हैज बीन फोर्स्ड टू लीज अवे. लीज अवे मतलब गिव अवे भाड़े पे द हम्बन टोटा पोर्ट टू चाइना. ठीक है, तो श्रीलंका का पहली प्रॉब्लम चल रहा है. श्रीलंका को फोर्स किया गया है अपना पोर्ट चाइना को देने को. इन ऑगस्ट दिस ईयर द युआन वोंग 5, देखो बेटा ये 5 है, ये 6 है. ठीक है, अलग है. अनदर स्पाई शिप फ्रॉम चाइना डॉक्ड एट हम्बन टोटा डिस्पाइट इंडियाज रिजर्वेशंस. रिजर्वेशंस मतलब इंडिया का डिसलाइक. ठीक है, तो पहले मुद्दा समझ के ले लो. इंडिया को चाइना, इंडिया ने चाइना को बोला, ए चाइना तेरा शिप ना इंडिया के 200 माइल तक नहीं आ सकता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी इंडिया के बगल में है श्रीलंका. इंडिया और चाइना, इंडिया और श्रीलंका का पानी कंटिन्यूस है. तो श्रीलंका चाइना के उधारी में है. तो चाइना क्या कर रहा है? श्रीलंका पे अपना शिप भेज के इंडिया के पास 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 आते जा रहा है. गॉट इट? चलो अभी अजम्पशन नंबर 1. Chinese spy ships seek to collect classified info about India by entering the EEZ. People, इसके अज ये thought process के basis पे ये आया है, ये सोचो. ठीक है, 2. If a country is in debt to another, it is more likely to yield. Yield का मतलब होता है given to demands made by it regarding movement of vessels across territorial waters. ये सोच के ये आया है. मतलब ना, अगर मैं आपके उधारी में हूं तो मेरे को आपकी बात माननी पड़ेगी, आपका प्रेशर झेलना पड़ेगा.
ओके सो नाउ पीपल वन एंड टू में से ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ओनली टू इज इम्प्लिसिट, बोथ और नाइदर, मतलब इनमें से कौन सा अजम्पशन वैलिड है? विच ऑफ देम इज लीडिंग टू द स्टेटमेंट? आंसर लगाओ एवरीबडी, कम ऑन आंसर लगाओ, आंसर लगाओ. चलो पीपल रेडी, दिखा दे आंसर. ओके नाउ यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट, पुट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, कम बैक एंड चेक. ठीक है पीपल, लेट्स लुक एट वन. बेटा वन जो है कैन बी एन इन्फरेंस, वन जो है कैन बी एन आउटकम. देखो ऐसा सब कुछ भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वन जो है, वन जो है हमको पैसेज पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ना इंडिया नहीं चाहता है कि चाइना का शिप पास में आए, क्योंकि चाइना का शिप इंडिया का इन्फो कलेक्ट कर सकता है. नाउ मेकिंग सेंस? सो वन इज आउटकम. टू डेफिनेटली सीम्स लाइक एन अजम्पशन. टू में ये तो क्लियर है कि अगर कंट्री का प्रॉब्लम चल रहा है दूसरे कंट्री के साथ, कंट्री को करना ही पड़ेगा. दैट इज वाई श्रीलंका इज नेक डीप इन डेट एंड चाइना वहां पे आके अपने शिप मजे से रुका रहा है. दैट मीन्स ओनली टू, दैट मीन्स आंसर ऑप्शन बी, एंड करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. पीपल क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप बिटवीन अमित सर का एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन का बेसिक्स एंड दिस यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है तो इसका पीडीएफ फिर आ जाएगा, आपको पता है एनोटेटेड नोट्स आर देयर इन द ऐप इन द बैच वेबसाइट अंडर अटैचमेंट्स. चलिए पीपल सेकंड क्वेश्चन, कम ऑन, वी आर हैविंग टू मच फन, लेट्स डू इट टुगेदर. इन 2017 क्रोमबुक्स एंड अदर गूगल डिवाइसेस मेड अप 58% ऑफ ऑल डिवाइसेस परचेस्ड फ्रॉम यूएस क्लासरूम्स अकॉर्डिंग टू फ्यूचर सोर्स डेटा. That figure was a mere 5% in 2012. Oh, bhai, 58% se 5% ho gaya. Apple's presence in the classroom, meanwhile, has tumbled. Beta, tumbled matlab fallen, gir gaya. Apple's market share in mobile devices for education sank by 33 percentage points from 2012 to 2017. To hum log kya padh rahe hain? Dono girte ja raha hai. Google Chromebooks and Google devices, Apple ke devices also in classroom. What could be the possible reason behind the fall in Apple's market share? तो बेटा Apple का बताओ, what could be a logical fall in reason? Please इसमें से पढ़ो, answer options आपके नीचे है, A या B या C or D निकालो. बेटा logic लगाओ, खाली common sensical based है, come on. बहुत आसान है. बेटा समझाना आपको, Google Chromebooks and Google devices का percentage बढ़ रहा है, Apple devices का percentage घट रहा है in classrooms. Why? What could be the reason? And नीचे answer options given है, उसके हिसाब से करो. चलो पीपल, आई एम नाउ डिस्कसिंग द आंसर, यू कैन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन अनपॉज इट. फर्स्ट वाला, पेरेंट्स बिलीव दैट एक्सपोजिंग देयर चिल्ड्रन टू टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लर्निंग, सो दे डू नॉट इन्वेस्ट इन मोबाइल डिवाइसेस. बेटा लेकिन यहाँ पे विच मोबाइल डिवाइसेस? ठीक है, प्लस दिस ऑप्शन इज टू ब्रॉड. हम लोग बोल रहे हैं एप्पल का क्यों गिरा है, गूगल डिवाइसेस का भी मोबाइल डिवाइस हो सकता है, सो वी आर नॉट श्योर. वन इसलिए निकल गया, वन निकल गया तो ओनली वन निकल गया, ओनली वन एंड टू निकल गया. देखो दो ऑप्शंस स्ट्रेट अवे गॉन, मैजिक. टू, चिल्ड्रन फाइंड यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट डिफिकल्ट. दिस लुक्स गुड या, क्योंकि एप्पल का मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन? ठीक है, एंड एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव. तो डिसइंसेंटिव मतलब डिस्करेज. ठीक है, फॉर द टीचर्स टू यूज देम. अरे वाह, टू इज लुकिंग गुड. When it comes to education software, which teachers and students use to manage assignments, deadlines and documents, Apple is lacking. अरे वाह बेटा, देखो 2 एंड 3 में कॉमन समझ में आ रहा है. 2 एंड 3 में कॉमन ये है कि एप्पल के खिलाफ है, एप्पल डिफिकल्ट है, एप्पल इरिटेटिंग है, एप्पल ब्ला ब्ला, एंड दैट इज द रीजन, पॉसिबल रीजन, एप्पल के शेयर कुड बी फॉलिंग. 100% 2 एंड 3 तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ओनली 2 इज नॉट द आंसर. दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. इट इज दिस सिंपल. बस देखा, assumptions, conclusions, है ना easy. अभी आ रहा है थोड़ा confidence. ठीक है, so people, if you've got both the answers correct, please go in the comment section and put two hearts for Amit sir. That means आपको दोनों answer right आए हैं assumption conclusion के. ठीक है, meanwhile let's continue. मैंने बोला आज खाली marathon है, खाली solving है, here we go. चलो, so people, in this में a premise is given. Premise मतलब statement और data, याद है? People, followed by three statements which may or may not be inferred. Yani conclusion, people, conclusion. Theek hai? Select the correct combination of statements. So, abhi pad lete hain, fir hum log decide karenge. Scientist studying the bones of an extinct otter. Bhai, theek hai? Otter beta type of animal hai. Cyamogale mellutera, ye uska name hai, have found that it had strong and firm
जॉ बोन्स, जॉ, सो दैट इट कुड हैव बीन वन ऑफ द मेजर प्रेडेटर्स. बेटा प्रेडेटर्स मतलब अटैकर्स, जो दूसरे जानवरों को खाता है. ठीक है, द स्टडी इन साइंटिफिक रिपोर्ट सेज दैट द जॉ वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रश बिग शेल्स बोन्स ऑफ बर्ड्स इवन स्मॉल मैमल्स. ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग को उसकी हड्डियां मिली है, हड्डियां में बहुत बड़ा जॉ मिला है और जॉ इतना स्ट्रांग है कि ये सब तो हो सकता है. अभी मेरे को ये बताओ इसके बेसिस पे कौन से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, ये आपके ऑप्शंस है. कम ऑन सॉल्व प्लीज, आंसर लगाओ जल्दी जल्दी. पीपल आई एम कंटिन्यूइंग, आप आराम से टेक योर टाइम. इन्फ्लुएंस वन, स्ट्रांग एंड फर्म जॉ बोन्स. तो स्ट्रांग, स्ट्रांग एंड फर्म जॉ बोन्स indicate whether the animal is a predator or not. beta this is looking very good because major predator to aa raha hai, matlab this is an inference ke agar jaw bone strong and firm hai na, wo shayad predator ho sakta hai. good enough hai, theek hai, good enough hai. one is coming out, you will agree, keywords match hai. second, Simagola meliteura was not a herbivorous animal. now this is interesting. aur aap bologe bhi sir aise kaise bol sakte ho, ho bhi sakta hai, nahi bhi ho sakta hai. हाँ, लेकिन पैसेज में क्या दिया है, थिंक फ्रॉम द पैसेज पॉइंट ऑफ व्यू. पैसेज में द कंडीशंस गिवन इज, अगर ये है जो इसके पास था एंड द जॉ वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, वुड हैव बीन फॉर दिस दिस, दैट मींस बेटा ये झाड़ झाड़ तो दिया ही नहीं है. मतलब द फैक्ट कि ही वॉज नॉट हर्बीवोरस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट ही वॉज कार्निवोरस इज गुड इनफ. हाँ बेटा सुनो, नॉट हर्बीवोरस मतलब इट कैन बी ओमनीवोरस आल्सो. याद है, याद है, हर्बीवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस फ्लैश, ओमनीवोरस बोथ बेर लोग, भालू भालू, और ओमनीवोरस वो लोग झाड़ भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नाइस. एंड लास्ट, Simagola meliteura माइट हैव ईटन बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स. हाँ, बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स. अरे सर क्या कर रहे हो, ऑल द थ्री आर लुकिंग वेरी वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. समझा नहीं समझा तो बेटा ये प्लीज पढ़ लो, अमित सर हैज गिवन यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ताकि नोबडी गेट्स कंफ्यूज्ड. ठीक है, एंड ऑफकोर्स आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो कीवर्ड्स के बेसिस पे आ रहा है, सब कुछ पैसेज में से ही आएगा, नथिंग एल्स. ठीक है पीपल, क्लियर है, फन है, इजंट इट फन बेटा. दैट इज व्हाई वर्बल एबिलिटी क्रिटिकल रीजनिंग ऑसम सेक्शन है. ठीक है, चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू. ओ भाई साहब, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, पैरा जंबल्स. ठीक है पीपल, पैरा जंबल्स नॉन एमसीक्यू, तो यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू रीअरेंज देम. पीपल रिमेंबर, रिमेंबर अमित सर का थियोरी ऑफ पैरा जंबल्स, पहले ओपनर को लगा ढूंढो, ट्राई एंड सर्च फॉर द ओपनर. सेकेंड, प्लीज ट्राई एंड सर्च फॉर मैंडेटरी पेयर्स. मैंडेटरी पेयर्स कैसे बनाते हैं सर, याद है, आइडिया इलेबोरेशन, जेनेरिक टू स्पेसिफिक, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिमेंबर पीपल, रिमेंबर, है ना, एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, ये पूरा थ्योरी मैंने सिखाया है. हेलो, सो बिटवीन कैट एसेंशियल्स बैच एंड कैट फाउंडेशन बैच, एंड फाइनली एंड द लास्ट थर्ड इज कंक्लूजन को ढूंढो. ठीक है, कम ऑन पीपल, हो जाए तो आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, पॉज करो वीडियो को एंड फाइंड मी द आंसर. करेक्ट ऑर्डर लगाओ, ए बी सी डी का ऑर्डर. तो एरिंग मतलब मिस्टेक, डर्थ मतलब शॉर्टेज. आराम से पढ़ो, नर्व मतलब गट्स, तो कार्पिंग अबाउट मतलब टॉकिंग अबाउट, बड़बड़ करना. एक काम करो पीपल, एक काम करो, अगर नहीं बन रहा है ना, टफ लग रहा है ना, एक हिंट देता हूं मैं. फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, फाइंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस, फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग. बीच वाला अपने आप बन जाएगा, या तो बीच में एक सेंटेंस ओपनर के साथ ढूंढो, या तो एक सेंटेंस क्लोजिंग के साथ ढूंढो. कम ऑन, हो जाएगा. चलो पीपल साथ में करेंगे, साथ में करेंगे. अगर आप कर रहे हो तो पॉज करो वीडियो को, यू सॉल्व एंड देन अनपॉज इट एंड कंटिन्यू वॉचिंग फ्रॉम हियर. चलो पीपल हियर वी गो, आसान है यार, बहुत आसान है. नाउ बेटा टेल मी आउट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, पहले वो ट्राई करते हैं. ये वाला, बट दैट वुड रिक्वायर, तो बेटा ये ओपनर तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पहले कुछ तो आएगा.
इफ दोज करेंटली कार्पिंग अबाउट द टैक्स. बेटा दोज मतलब हु, तो ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. दीज आर नॉट क्वालिटीज, ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई क्वालिटीज आनी चाहिए. दोज मतलब कोई लोग आने चाहिए बेटा, कम ऑन. बट दैट मतलब कुछ वॉट वुड रिक्वायर. तो बच्चा क्या? बच्चा सी, देखा आपने अमित सर ने कैसे किया? डिड आई बॉदर टू फाइंड आउट सर नर्व मतलब सर 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 क्या कार्पिंग मतलब? आई डिडंट बॉदर. लॉजिक लगाओ बेटा, डरो मत एंड स्विच ऑफ मत हो जाओ, ठीक है? सो डेफिनेटली सी इज द ओपनिंग सेंटेंस. सी इज द ओपनिंग सेंटेंस. अभी सी पढ़ लेते हैं, ठीक है? सी क्या बोल रहा है? द प्रॉब्लम विद द ईगरनेस टू रिकास्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को तोड़ना है. अभी उसमें रेंज दिया है, फ्रॉम अ फेलियर टू कट द डेफिसिट टू द कंटिन्यूड इनएबिलिटी टू रिस्टोर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एज अ मॉरल इशू एंड एन एरिंग ऑन द पार्ट ऑफ सेल्फिश इंडिविजुअल्स. आहा, तो इस पे कुछ लोग आए, कुछ सब्जेक्ट आया, सेल्फिश इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है? हु जस्ट आरंट इनफ गिविंग इनफ बैक, लीव द रियल प्रॉब्लम्स अनटच्ड. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. तो इस पे हमने क्या बोला कि प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फिश लोग हैं, एंड ना प्रॉब्लम्स बहुत सारे अनटच्ड हो गए हैं. अभी बेटा इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? इसके बाद दीज आर नॉट क्वालिटीज, ठीक है? तो बेटा डी इसके बाद तो नहीं आ सकता, सी डी के बाद तो नहीं आ सकता. थिंक थिंक थिंक, ठीक है? तो डी सेकंड में अभी एल आर डी आई करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं. ए हेलो, याद है एल आर डी आई सीटिंग अरेंजमेंट? तो यहाँ पे सी तो ओपनिंग हो गया, अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ है. सेकेंड तो नहीं आ सकता, क्यों? आपने फर्स्ट में क्या बोला है? प्रॉब्लम्स है, सेल्फिश लोग हैं, एंड कुछ करना चाहिए. पर लेकिन दीज आर नॉट क्वालिटीज, मतलब व्हाट क्वालिटीज? उसके पहले कोई क्वालिटीज आने चाहिए, तो इधर तो नहीं आएगा, इधर तो नहीं आएगा. मतलब इधर आ सकता है. अच्छा इधर आ सकता है. नाउ पीपल लुक एट दिस सेंटेंस, बट दैट वुड रिक्वायर, ठीक है, अ टफ लुक एट द इकोनॉमी. इकोनॉमी तो यहां पे भी इकोनॉमी है सर, ठीक है, इकोनॉमी है. अच्छा ऊपर से, ऊपर से पीपल, ऊपर से यहां पे आपने सेल्फिश इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया है, एंड यहां पे दोस्त के बारे में बात किया है. अच्छा दोस्त के बारे में ये भी बोला है हम लोगों ने, ठीक है, कि मतलब सम पीपल के बारे में. सो 100% बी का दोस्त कैन रेफर टू ए सी का दिस थिंग. अच्छा इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स इफ दोस्त करेंटली कार्पिंग अबाउट टैक्स अफेयर्स ऑफ द रिच रियली डिड केयर अबाउट रेजिंग. देखो यहां पे क्या है, सेल्फिश इंडिविजुअल्स डोंट केयर, सेल्फिश इंडिविजुअल्स हु जस्ट आर एंड गिविंग इनफ बैक, एंड यहाँ पे इफ दे डिड केयर. तो कहीं ना कहीं सी और बी एक पेयर बना रहा है. पढ़ लो एक बार ध्यान से पढ़ लो. हाँ नाउ यू विल ऑल्सो से सर ए भी आ सकता है, आप तो कुछ भी कर रहे हो. बट वेट, मैं बताता हूँ, वेट, ए को देखो, ठीक है? तो आपने बी में क्या कर दिया? बी में, सी में आपने ना एक सवाल पूछा, बी में आपने उसको एक्सप्लोर किया कि क्या करना चाहिए. देखो बी में, इफ दोज करेंटली दे वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रेजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ, आपने कुछ रिकमेंडेशन दिया बी में, ठीक है? अभी देखो बेटा, अभी यहां पे, ठीक है, या तो ए आ सकता है या तो डी आ सकता है. लेकिन लेकिन अगर आपने ए को एंड में डाला तो ए क्या है? बट दैट वुड रिक्वायर अ टफ लुक एट द इकोनॉमी. दैट मीन्स जो बी का रिकमेंडेशन है दैट कैन बी फॉलोड बाय ए. वाई वाई सर? बिकॉज आपने बी में एक रिकमेंडेशन दिया है, ये सब करो. अच्छा ए में क्या है? दैट वुड रिक्वायर टफ लुक एट द इकोनॉमी, डर्थ ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाउ इट माइट रिस्टोर कंडीशन. टक्कर टक्कर पटर पटर आ रहा है ए में. एंड डी फाइनली क्या बोल रहा है? क्वालिटीज, जो ए में भर भर के आ रही है, जो ए में भर भर के आ रही है. वंस अगेन मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, ठीक है पीपल? देखो कॉम्प्लिकेटेड है और ये कैट का सवाल है, तो कैट में ऐसे सवाल आते हैं. बट डोंट वरी, डोंट वरी, रिलैक्स, टेंशन मत लो. ओपनिंग सेंटेंस सी है, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया बिगिनिंग वाले वर्ड से, हमने पूरा पढ़ा भी नहीं सर. सी जो है, सी इज टॉकिंग अबाउट सेल्फिश इंडिविजुअल्स, सी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स विच आर लेफ्ट अनटच्ड, दैट्स फॉर श्योर. अभी उसके बाद देर इज बी, उसके बाद देर इज ब्लैंक्स, हमें नहीं पता उसके बाद क्या है. तो अभी बेटा सी में जो आपने सवाल उठाया है, सेल्फिश इंडिविजुअल्स है, करते ही नहीं है. यहाँ पे दोज कैन रेफर टू वॉट? दोज हैज टू रेफर टू समथिंग. तो इफ यू पुट ए इसके बाद,
ठीक है, दैट वुड रिक्वायर अ टफ लुक एट द इकोनॉमी. तो दैट के बाद दोस्त तो नहीं आ सकता है, कम ऑन कम ऑन, थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो वो एक चीज है. उसके उसके अलावा पीपल, इफ यू से दीज आर इन क्वालिटीज, क्वालिटीज यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि क्वालिटीज बोले ही नहीं है हमने सी में. हमने सी में प्रॉब्लम्स बोले हैं, सेल्फिश इंडिविजुअल्स बोले हैं, क्वालिटीज की बात नहीं हुई है. तो डेफिनेटली अगर आपने यहां पे बी डाला तो उसका दोस्त कैन रेफर टू सेल्फिश इंडिविजुअल्स ऑफ सी, दैट्स फॉर श्योर. अच्छा, अभी तक आपने उसमें आपने रिकमेंडेशंस दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सो दैट वुड रिक्वायर टक 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 टक, मतलब ये करने के लिए ये करना चाहिए. सो पीपल कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, बी और ए में कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, एंड फाइनली डी इज समिंग अप एवरीथिंग बिकॉज डी में क्वालिटी, डी में क्वालिटीज आ रहा है, एंड दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज सी बी ए डी. पीपल मेकिंग सेंस? अच्छा सुनो, अगर नहीं समझा, अगर कुछ नहीं समझा बेटा, ये पूरा मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो ये प्लीज पॉज करके पढ़ लेना. पैरा जम्बल्स में और प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे, ईजी नहीं है बट कर सकते हैं डेफिनेटली. चलो पीपल, पीपल अगला सवाल. अब इसमें ऑप्शंस है, तो ये दूसरा स्लाइड भी एक्सप्लेनेशन का है, डोंट वरी, डिटेल में मैंने पूरा का पूरा आपको दे दिया है, एक एक का पीपल एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी डोंट वरी पीपल, लेट्स कंटिन्यू नाउ. ठीक है, सो पैरा जम्बल्स भी हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स लुक एट अवर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेंटेंस ऑड वन आउट. तो पीपल सेंटेंस ऑड वन आउट याद है, दैट इज हम लोग सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, फोर ऑफ देम कैन बी रीअरेंज, तो आप फोर को क्लब करो. बेटा ऑड वन आउट सेंटेंस को निकालो, हाउ विल यू रिमूव ऑड वन आउट, व्हाट विल यू डू, रिमेंबर. ऑड वन आउट के लिए बेटा लुक एट द कॉमन थीम, ठीक है, लुक एट कीवर्ड्स, लुक एट सब थीम, एंड ऑड सेंटेंस आउट में कुछ नया होगा, कुछ एलियन होगा, कुछ कॉन्ट्रास्ट होगा, उसका टोन देखो, ठीक है, एंड ऑड वन आउट को निकालो. सो प्लीज रीड ऑल द फाइव सेंटेंसेस, और एक सेंटेंस नहीं बैठेगा वो आंसर है, वो आंसर लगाओ. पीपल ये सुपर ऑसम है, सुपर ईजी है, बड़े बड़े वर्ड्स में डरो मत, खाली और खाली कीवर्ड्स देखो, कॉमन कीवर्ड्स निकालो, एक सेंटेंस में नहीं है, दैट इज योर आंसर, इट इज दैट ईजी, दैट सिंपल. चलो पीपल अभी सॉल्व करेंगे, अब आप पॉज कर लो, इन केस यू हैव नॉट सॉल्व, यू फिनिश सॉल्विंग कंटिन्यू, वरना अमित सर आपको अभी अल्टीमेट शॉर्टकट बता रहे हैं. दिस इज लिटरली अ 30-second क्वेश्चन बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ ADHD विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ठीक है, ADHD, एंड पीपल व्हाट यू आर सेइंग, हेलो ADHD, ठीक है पीपल, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग एट ADHD, ठीक है. तो यहाँ पे तो सर सभी कॉमन आ गया, सभी कॉमन आ गया. अभी ऐसे एक वाक्य निकालो जो इसके बारे में कुछ अलग से बात कर रहा है, जो कुछ भलता बात कर रहा है. तो आपने कॉमन थीम तो पहचान ली, नाउ प्लीज टेल मी. तो पीपल आपकी कॉमन थीम जो है वो ADHD है, नाउ वर्कआउट ऑन अ सब थीम. मतलब चार सेंटेंसेस ADHD के बारे में कुछ और बोलेंगे, एक सेंटेंस कुछ और बोलेगा, दैट्स द आंसर. कम ऑन, मैं आपको हिंट भी दे दिया, प्रोवाइडिंग फर्दर एविडेंस. चलो पीपल सुपर ऑसम है, लेट्स कंटिन्यू, बहुत आसान है. तो चार सेंटेंसेस आर गिविंग यू फैक्टर्स, चार सेंटेंसेस आर गिविंग यू रीजंस, चार सेंटेंसेस आर गिविंग यू कॉजेस ऑफ ADHD. देखो ना, ठीक है, इट इज, तो ये तो इंट्रो है, ये तो इंट्रो है, ठीक है. अच्छा पीपल, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, तो ये इलेबोरेशन है, ठीक है, अबाउट ADHD, मतलब ADHD क्या है, ADHD कैसे आता है. उसके बाद पीपल यहां पे दे आर गिविंग यू रीजंस, दे आर गिविंग यू कॉजेस. अच्छा जो स्टेटमेंट डी है, यहां पे दे आर गिविंग यू ट्रीटमेंट. अभी तक ट्रीटमेंट की बात हुई है क्या, उसके कॉन्सेप्ट की बात हुई है, कॉजेस की बात हुई है, फैक्टर्स की बात हुई है, एंड इसमें भी पीपल, ठीक है, उसकी जेनेटिक बेसिस, मतलब वापस से दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉजेस. ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, भले ही ADHD है, दैट इज वाई डी दिल्ली इज द आंसर. मेकिंग सेंस? समझा, इतना सिंपल है लाइफ में यार. पीपल मैंने फुल आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन. कम ऑन, ठीक है पीपल, पूरा का पूरा प्लीज पढ़ लेना, मेक श्योर दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, यू सॉल्व इट लेटर ऑन योर ओन एंड यू विल अंडरस्टैंड. चलो पीपल लेट्स मूव ऑन, एक और आप खुद से करोगे अभी. वंस अगेन, बिटवीन ABCDE, वेरी वेरी इजी है. टेल मी द ऑड सेंटेंस आउट, लुक एट कीवर्ड्स, लुक एट द थीम एंड सब थीम्स, बताओ कौन सा नहीं बैठ रहा है. पीपल पहले पहले तो कॉमन वर्ड्स निकाल के वो सेंटेंसेस को क्लब कर दो,
और बाकी सेंटेंसेस को हटाओ, फिर शॉर्टलिस्ट बनाओ, बहुत आसान है, कमन। चलो पीपल, मैं आपको हिंट देता हूँ, थोड़ी तो हेल्प आपकी कर देता हूँ, अगर आपको आ गया है तो वेल एंड गुड, टेल मी द ऑड सेंटेंस आउट, वरना देखो। तो पीपल इफ यू ऑब्जर्व मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, ठीक है, तो पीपल बी सी और ई तो ऑड वन आउट नहीं है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। ये समझ में आ रहा है? अभी ए और डी में से बताओ कौन सा इससे रिलेटेड है, कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, दैट इज द आंसर, खत्म, इट इज दैट इजी। ठीक है, सो पीपल सेंटेंस ए इज टॉकिंग अबाउट लीडरशिप फॉर इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म एट देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। टेल मी बिटवीन दिस एंड दिस, इज दिस नॉट सिमिलर टू मोटिवेशन? इंस्पायर मतलब मोटिवेट, इनकरेज, हाईएस्ट पोटेंशियल, इंस्पायर, मोटिवेट। अच्छा डी देख लेते हैं, डी क्या बोल रहा है? ओपन कम्युनिकेशन, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एम्प्लॉई स्टेइंग, बेटा ये मोटिवेशन नहीं है, सेटिस्फैक्शन इज नॉट मोटिवेशन, हाँ लेकिन इंस्पिरेशन इज मोटिवेशन, दैट इज हाउ इट इज, इतना ईजी है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली, बस खत्म। सोचो एग्जाम में कैट क्वेश्चन है, आपको खाली डी लिखने के लिए प्लस 3 मार्क्स मिलेगा, इट इज दैट इजी यार। इसीलिए वर्बल एबिलिटी बहुत स्कोरिंग है। पैरा जंबल्स याद है बेटा, हमने जो किया उसमें आपने खाली ओपनर लगाया, कंक्लूडिंग लगाया, रीजन लिखा है, कंक्लूडिंग के पहले तो वो सेंटेंस आएगा, सी डी आपने जो भी बनाया आपने, पीपल इट वॉज दैट इजी यार। ठीक है, इसीलिए वर्बल एबिलिटी एब्सोल्युटली ओपी है। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द जोश, इसी के साथ अगला सवाल। ओ भाई अभी मजेदार है, वी विल समरीज यार, अपना फेवरेट, याद आ रहा है? तो बेटा वंस अगेन समरीज है, आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है। माय सजेशन इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, एंड पीपल वो ऑप्शन निकालो जो आपके कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, बस खत्म कहानी। पढ़ो जल्दी जल्दी, मेरे को बताओ ए और बी और सी और डी में से कौन सी बेस्ट समरी है। सो कोहरेंस मतलब यूनिटी, क्लैन मतलब ग्रुप, एम्बॉडिंग मतलब प्रैक्टिसिंग या कैरिंग, ये वर्ड बेटा बेनिफिट है, स्पेलिंग गलत है, इसमें आई आएगा। चलो पीपल आई कंटिन्यू, यू कैन पॉज, टेक योर टाइम एंड बेटा लेट्स कंटिन्यू। तो यू आर टॉकिंग अबाउट शमन करके कोई तो चीज है जिसको यूनिटी करना है। शमन क्या करता है? अपलिफ्ट द इंडिविजुअल्स, मेक्स मोर कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा मटीरियल वेस्टर्न वर्ल्ड में ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में ठीक है, कंडीशंस आर मोर क्लियर, वेस्टर्न वर्ल्ड में देर इज परफॉर्मर, तो वो लोग कंपेयर कर रहे हैं शमन लोग का इन रूरल टू वेस्टर्न वर्ल्ड का परफॉर्मर, ठीक है। दैट इज द की रोल, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, ओवरकम लोनलीनेस करता है, तो दे आर डिराइविंग सिमिलैरिटीज बिटवीन शमन लोग एंड परफॉर्मर लोग, जो लोगों को एकत्रित करते हैं, उनको खुश करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ठीक है, बेनिफिट करते हैं, बस। तो बेटा अभी सारे कीवर्ड जो मेन मेन है उसका बताओ। तो इफ यू से ऑप्शन ए, शमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग एंड कोहिजन, कोहिजन यस, वेल बीइंग आई एम नॉट श्योर, एंड पीपल दिस ऑप्शन इज इनकम्प्लीट, क्यों? परफॉर्मर लोग का क्या, बाकी हाफ इज गिविंग अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड एंड परफॉर्मर लोग, इसीलिए गलत है। ऑप्शन बी, शमन्स एंड एक्टर्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर क्राफ्ट, दिस इज नॉट बैड, बट दिस ऑप्शन अगेन इज वॉट क्राफ्ट, बोले तो इसमें पीपल कितने डिटेल्स है, अपलिफ्ट द एग्जिस्टेंस, ठीक है, कम्युनिटी, बेनिफिट, प्रोसेसेस, ठीक है, एक्सरसाइजेस, लोनलीनेस, तो क्राफ्ट का क्या? तो बी इज टू ब्रीफ, ठीक है पीपल, दैट इज माई प्रॉब्लम। चलो सी, परफॉर्मर्स जस्ट लाइक शमन्स, अरे वाह, इंक्रीज कैमराडरी, कैमराडरी मतलब फ्रेंडशिप, क्या इन देयर सोसाइटी, दिस इज गुड यार, मतलब परफॉर्मर लोग भी आया, शमन लोग भी आया, सोसाइटी भी आया, फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप मतलब कनेक्शन, एंगेजमेंट, बेनिफिट, सब कुछ आ गया, सी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। अच्छा, अ परफॉर्मर्स मेन ड्यूटी इज टू रिमूव डिसकनेक्टेडनेस, वेरी गुड है, इनकम्प्लीट, इसमें शमन भैया ही नहीं आए, जैसे उसमें परफॉर्मर नहीं आया, इसमें शमन नहीं आया, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, समझा? That's all. Summary is my favorite. I mean sentence odd one out. क्योंकि jackpot है. Summary में सोचो बेटा, आपको खाली उसी passage में से
आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो बेस्ट उस पैसेज को परफेक्टली समराइज करा है. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है यार. अब आते हैं पैरा कंप्लीशन पे. सो पीपल वंस अगेन अमित सर मिक्स्ड बैक कर रहे हैं. आई एम गिविंग यू एक्सपोजर टू ऑल द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस अगेन. वी आर री रिवाइजिंग द बेसिक्स एंड गेटिंग सम कॉन्फिडेंस इनसाइड ऑफ यू. अब क्या करना है पैरा कंप्लीशन मतलब आपको ये पढ़ना है एंड पीपल लास्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है फ्रॉम दीज फोर ऑप्शंस. सो पीपल प्लीज रिमेंबर, याद है मैंने कैसे सिखाया था पैरा कंप्लीशन? इट्स लाइक जिक्सॉ पजल. जिक्सॉ पजल मतलब लास्ट सेंटेंस शुड अग्री विद द सेकेंड लास्ट सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस शुड ऑल्सो फिट इन टू द ओवरऑल पैसेज. तो चलो पीपल पढ़ेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे. कमन, वॉट हैपन्स टू आर ब्रेन्स वेन वी एज इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस नॉट जस्ट टू साइंस बट टू पब्लिक पॉलिसी. By 2030, for example, 72 million people in the US will be over 65, double the figure in 2000, and their average life expectancy will likely have edged above 20 years. Matlab, life expectancy matlab living. Living matlab kitna zyada aap jee rahe ho. Theek hai? However, beta, however is a transition word. Matlab negative. Abhi tak author positive tha. This demographic time bomb would be much less threatening if the elderly were looked upon as intelligent contributors, but they are not. So elderly log bhi contribute kar sakte hai rather than dependents in the long term. Matlab elderly log ka kuch use hona chahiye yaar. Theek hai, to ye thought se author ne finish kiya hai. Abhi batao kaun sa option ispe best baithega. So once again beta, don't forget author kya bol raha hai. Old people bhi useful hai. ओल्ड पीपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, खाली डिपेंडेंट्स नहीं है. तो उसको कौन सा स्टेटमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है, वो बताओ. इट्स एज सिंपल एज दैट. चलो पीपल पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करते हैं. आ जाओ एंड आप पॉज करके सॉल्व करो वरना मेरे साथ रहो. आ जाओ पीपल, आंसर ऑप्शन सी. मेनी ऑफ द अजम्पशन साइंटिस्ट करेंटली मेक अबाउट कॉग्निटिव डिक्लाइन, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन का डिक्लाइन, ठीक है, are seriously flawed, मतलब error, and for the most part formally invalid. This is good. लेकिन इसमें एज की बात नहीं की है, ओल्ड लोग की बात नहीं की है, जनरल बात की है यार. कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब कभी यंग में भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है, वी डोंट नो. इसीलिए दैट ऑप्शन इज गॉन. टी, यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स टू सिम्युलेट यंग एंड ओल्ड ब्रेन्स, रामस्कैर एंड हिज कॉलीग्स found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. beta, ye answer option against ja raha hai. ye option kya bol raha hai ki na jaise jaise age badhti hai na utna zyada na ghatta hai, jabki wo kya bol raha hai, old log kaam kar sakte hai, old log useful hai. that is why this option is opposite. ye bhi kya. ab a aur b bada interesting hai. a aur b mein se mereko batao best ispe kaun sa fit hoga. come on. Yeah, people now both A and B look good. Both A and B can fit. वैसे कोई problem नहीं है. लेकिन slight difficulty ये है. पहली बात तो B पढ़ लेते हैं. It is time we rethink what we mean by aging before our false assumption. तो यहाँ पे author बोल रहा है, खाली old हो गए तो क्या हुआ? सोचो, खाली ऐसे नहीं सोचने का. ठीक है? Result in decisions and policies that marginalize. Marginalize मतलब के discriminate. ठीक है, वो बोल रहा है ऐसे मत करो. अगेंस्ट द ओल्ड और वेस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज, रीमीडिएट प्रॉब्लम्स. मतलब ऑथर इसमें रिकमेंडेशन दे रहा है, ऑथर इसमें सजेशन दे रहा है, क्योंकि ऑथर ने बोल दिया है ओल्ड लोग आर यूजफुल. तो बी अच्छा लग रहा है. ए भी देख लो. द आइडिया दैट वी गेट डम्बर एज वी ग्रो ओल्डर इज अ मिथ अकॉर्डिंग टू ब्रेन रिसर्च दैट विल एनकरेज एनी वन ओल्ड इनफ टू नो बेटर. बेटा आंसर इज गुड बट नॉट बेस्ट. मतलब ऑप्शन ए इज सिंपली रिपीटिंग व्हाट अर्लियर स्टेटमेंट इज सेइंग. रीस्टेटमेंट है ऑप्शन ए. पहले वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओल्ड लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिपेंडेंट नहीं है. बी उसको बता रहा है हमें क्या करना चाहिए वो प्रूव करने के लिए. डेफिनेटली बी इज कंप्लीटिंग इट परफेक्टली. ठीक है बेटा, देखो इजी नहीं है, कैट लेवल का है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी है बट मजेदार है. थोड़ा लॉजिक समझो. ठीक है, एंड सी और डी मैंने एलिमिनेट किया. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर एवरी ऑप्शन. चलो पीपल एक और. ठीक है, एंड देन वी आर डन डन आर डन. कम ऑन. तो बेटा वंस अगेन इसको पढ़ना बहुत आसान है. एंड बिटवीन ए बी सी और डी कौन सा कंक्लूड करेगा, प्लीज सॉल्व एवरीबडी, प्लीज सॉल्व. तो बेटा मार मतलब स्पॉइल,
मैं एक हिंट दे देता हूँ, आप सोचते रहो, लास्ट सेंटेंस पढ़ो. हाउएवर मॉनसून रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल रिमेन क्रूशियल, नेक्स्ट सेंटेंस विल डिस्प्ले हाउ इज इट क्रूशियल. बस खत्म. कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है. ठीक है चलो पीपल, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस. बहुत आसान है बेटा. आरबीआई जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी में आरबीआई आ गया. आप मानसून की बात कर रहे हो, मानसून के इफेक्ट की बात कर रहे हो. ठीक है चलो. नेवर द लेस द फर्स्ट स्टेज मानसून शुड नॉर्मली बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. वाह. एज वेदर इज नॉट टू इंस्पायरिंग, मतलब ये अगेंस्ट जा रहा है. पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब देखो भाई, भरोसा करो, इतना मत करो. ये तो ऑपोजिट हो गया. हम बोल रहे हैं कि मानसून रेनफॉल इज वेरी क्रूशियल, तो भरोसे की बात कहाँ आ रही है. निकालो इसको, निकल गया. डी, मॉनसून बिहेवियर सीम्स टू बेर आउट द नोशन दैट क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून एंड ऑल्टरिंग इट्स रेनफॉल. ठीक है ठीक है ठीक है. दिस ऑप्शन इज टू ब्रॉड. आप कहाँ बात कर रहे हो, मॉनसून रेनफॉल क्रिटिकल क्यों है, मॉनसून रेनफॉल से होता क्या है, फायदा क्या है बारिश का, कहाँ आप चले गए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. हाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह. वाई लुक एट ए दे, वॉट इज दे रेफर टू मॉनसून रेनफॉल. दे इम्पैक्ट सप्लाइज प्राइसेस ऑफ फार्म कमोडिटीज, कोर्स सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, रूरल सेक्टर. सो गुड लुकिंग लाइक ए वाओ. दैट्स ऑल. ए इज द परफेक्ट ब्रिलियंट आंसर दैट वी वॉन्ट. एंड खत्म कहानी, आ गया उसमें सब कुछ बेटा. ठीक है चलो, तो इसको पढ़ लेना आराम से. एंड दैट्स दैट. चलो सो आज का दिन हमने सिंपली और सिंपली सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने को ट्राई किया है. ठीक है डेफिनेटली बेटा हम लोगों ने, ठीक है 2 मिनट समरी में हम लोगों ने आज का दिन ये सब कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने सिंपली मिक्स्ड बैग किया है. माय हम्बल सजेशन एंड रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज डीपीपी सॉल्व करना. ठीक है अरुण शर्मा बुक में सारे प्रकार के सवाल है, सॉल्व करना. वंस अगेन बेटा वीए सेक्शन को इग्नोर मत करना, लॉजिक बेस्ड है, वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है. इवन इफ योर वोकैब इज नॉट दैट ग्रेट चलेगा, बट दिस सेक्शन में तोड़ सकते हो. दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू टीच यू. ठीक है सो होमवर्क में न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है, लैंग्वेज से कंफर्टेबल होना है, वोकैबुलरी को बढ़ाना है. कैसे बढ़ाना है, इसी चैनल पे वीडियोस है, मैंने आपको सोर्सेज भी दिए हैं. वर्ड पावर मेड इजी, वोकैबुलरी डॉट कॉम, अरुण शर्मा की बुक में से वर्ड लिस्ट है वो भी पढ़ लो, सारा का सारा आपको हेल्प करेगा. एंड वी कम टू द एंड. चलो आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड द कैट एसेंशियल्स बैच. मेरी तरफ से मैं और बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, स्टे ट्यून्ड. ठीक है कैट फाउंडेशन बैच भी इसी चैनल पे प्रेजेंट है, वो भी पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो. एंड अगर आपने कोई बैच में एनरोल किया है सच एज पायनियर, पायनियर प्रो, तो हम लोग तो साथ में रहेंगे ही. अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. कॉमेंट्स में बेटा प्लीज एक दिल जरूर लगाना, फायर इमोजी लगाना अगर आपको मजा आया. होमवर्क अपना सॉल्व करते रहना. एंड टॉक टू मी आपको और कौन से वीडियो चाहिए, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट. अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.